brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सिर्फ भारत पाकिस्तान सीमा नहीं, भारत के अंदर मौजूद दुश्मनों का सफाया भी बड़ी तेजी से सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर के, जहां एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 12 घंटे में भारत के 12 दुश्मनों को साफ कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगलूर पुलिस थाना क्षेत्र के पीड़िया गांव में बताया जा रहा है कि जंगल में 12 घंटे ऑपरेशन चला, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। उसके बाद उन सभी के शव को पुलिस मुख्यालय लेकर आई, जिसके बाद मारे गए नक्सलियों की पहचान की गई। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों के सिर पर 31 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ गोलीबारी के बाद कुछ नक्सली खुद को ग्रामीण बताने लगे। इसके साथ ही पुलिस को गुमराह करने के लिए सादे कपड़ों में आकर गांव वालों के बीच घुल मिल गए। इसी वजह से पुलिस ने इलाके के कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजापुर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा बताया गया है कि मारे गए नक्सलियों में बुधू ओयम और कल्लू पुनेम जैसे सैन्य कंपनी नंबर के सदस्य थे। दोनों के सिर पर 8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य लाखे कुंजाम और सैन्य कंपनी नंबर 12 के सदस्य भीमा करम के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि दूसरे भी मारे गए नक्सली, उनके ऊपर भी 2-2 लाख रुपए तक के इनाम थे। बताया गया है कि कुछ माओवादियों ने 3 स्थानों पर घात लगाकर सुरक्षा बलों को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान एक अनोखी बात पहली बार देखी गई। पुलिस से मुठभेड़ के बाद कुछ नक्सलियों ने बचने के लिए अपना यूनिफॉर्म तक बदल दिया। उन्होंने गांव वालों से उनके कपड़े लेकर पहन लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए उनके साथ मिल गए। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है और उससे पूछताछ कर रही है, ताकि उनकी असली पहचान को उजागर किया जा सके। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य चैतू लेंगू और PLGA कंपनी नंबर के कमांडर पापा राव जंगल में मौजूद है। इसके साथ ही गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव के साथ 100-150 नक्सली भी इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले के जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, CRPF और कोबरा कमांडो ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें यह मुठभेड़ 12 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों ही पार्टियों का 10 बार आमना सामना हुआ और इसी बीच कई नक्सली मारे गए। 3 नक्सलियों को मौके से पकड़ भी लिया गया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक तक बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना के साथ ही बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ साथ अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 103 नक्सली मारे गए हैं। 16 अप्रैल को कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जबकि 30 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा के जंगल में 3 महिला समेत 10 नक्सलियों को मारकर ढेर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।